असलकम वेलकम टू माई चैनल वाइस ओवर बाय अमना शाह आई होप कि आप खुश होंगे लिसनर्स आज मैं आपको इंस्पेक्टर न्याज खोसा की एक और सनसनी तफ्तीश तफ्तीशी कहानी सुना रही हूँ तो आइए सुनते हैं उन दिनों में मुजफ्फर के एक कस्बे में तैनात किया गया था और मुझे वहाँ ट्रांसफ़र होते ही एक जैर तफ्तीश केस मिल गया था जाने वाले थानेदार ने ज़्यादा तफ्तीश नहीं की थी वो कर भी नहीं सकता था क्योंकि इसके ट्रांसफ़र के ऑर्डर आ गए थे वैसे इसने केस की फ़ाइल मेरे हवाले करते हुए तमाम बातें मेरे कोश गुजार कर दी थी मैं पहले आपको बता देता हूँ कि केस था क्या ये सब पहले वाले थानेदार चौधरी शफकत की ज़बानी सुने तो ज़्यादा मुनासिब होगा एक सौ मैं जब थाने आकर अपनी सीट पर बैठ चुका तो सिपाही मंसूर ने मुझे इतला दी सर कासिम आबाद के कब्रिस्तान में किसी जवान की लाश पड़ी है चौधरी कासिम ने एक बंदा भेजा है जो ये इतला लेकर आया है मैंने पहले बंदे को बुलाकर कर उससे मालूम हासिल की बंदे का नाम इनायत था रंग सांवला कद तकरीबन पाँच फिट होगा वो ऐसा ही था जैसे अक्सर रवायती चौधरीों के रखे हुए डशकरे होते हैं मैंने इसे ये कहकर रुख्सत कर दिया कि वो जाए हम थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं तकरीबन आधे घंटे बाद मैं और कांस्टेबल ख़ुर्शीद कब्रिस्तान में मौजूद थे लाश एक जवान उम्र आदमी की थी ये गांव ज़्यादा बड़ा नहीं था सौ के करीब घर होंगे छोटा सा डिस्पेंसरी नुमा अस्पताल था स्कूल सिर्फ मिडिल तक था डाक खाने और पक्की सड़क से महरूम था लाश दो साथ साथ बनी कब्रों के पास पड़ी थी बाहर हाल ज़रूरी काजी कार्रवाई के बाद मैंने लाश पोस्टमार्टम के लिए बड़ी मुश्किल से शहर में वाकई सिविल अस्पताल भेजी मुश्किल से इसलिए कि चौधरी कासिम ने काफ़ी वावेला किया था बकौलेस इसके जवान को शीरी या वक़ार की रूह ने मारा था मैंने कहा चौधरी साहब ये कहानी मैं सुन लूँगा आप अभी लाश को पोस्टमार्टम के लिए जाने दें वरना मुझे अपने सरकारी इख्तियार इस्तेमाल करना पड़ेंगे मैंने इंतहा खुश्क लहजे में कहा मेरे लहजे से चौधरी का बावेला दम तोड़ गया लेकिन बात रस्सी वाली थी कि रस्सी तो जल गई थी लेकिन पल न गया था वो बोला ठीक है आप अपनी मर्जी कर लें लेकिन आप नुकसान में रहेंगे मैंने इसे फजूल बहस में वक्त ज़ाया करना मुनासिब ना समझा और उसके साथ उसकी हवेली में आ गया इसकी हवेली गांव के वस्त में खड़ी अपनी शान शौकत का इजहार कर रही थी और मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे इसकी एक ईंट कई कहानियां सुना रही हो और इनमें एक कहानी चौधरी ने भी मुझे सुनाई थी जिन कपड़ों के पास जवान की लाश मिली थी वो इसी गांव के दो दीवानों की थी जो एक दूसरे से इतनी ही मोहब्बत करते थे जितनी अपने दौर में शायद शीरियों फरहाद ने की होगी बाज़ लोगों के बकौल दोनों प्यार की हदें फलांग कर इश्क की मेराज तक पहुंच गए थे नाम इनका शीरी और वकार थे जिस तरह कहते हैं कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते इसी तरह इन दीवानों की मोहब्बत भी दुनिया वालों की नज़रों से ओझल ना रह सकी वो कब्रिस्तान में ही मिलते थे एक दिन शीरी के भाई ने रात के अंधेरे में इन्हें एक दूसरे के पास बैठे हुए देख लिया इसे कुछ दिन पहले ये सुनगुन मिली थी कि इसकी बहन शीरी गांव के मछेरे के बेटे वकार से मिलती है और कहने वालों ने यहाँ तक कह दिया कि वक़ार ने तुम्हारी इज्जत और वक़ार को अपने पैरों तले टोन दिया है हालांकि वो रात के दरमियानी पहर में मिलते थे जब गांव के लोग दिन भर के थके हारे गहरी नींद के मज़े लूट रहे होते थे लेकिन फिर भी एक आदमी ने जिसे बेखाबी की शिकायत थी इन्हें देख लिया शीरी का कमरा अकवी तरफ था और कमरे का अकबी दरवाज़ा कब्रिस्तान की तरफ खुलता था इसके भाई ने बहन पर नज़र रखना शुरू कर दी एक रात वो अपने महबूब से मिलने कब्रिस्तान में पहुंची, तो अचानक तूफ़ान आ गया इतनी तेज़ हवा थी कि कई कमज़ोर दरख्त ज़मीन पोस हो गए लेकिन शीरी के दिल में कोई खौफ नहीं था और वह इस बात से बेखबर थी कि मौत इनके सर पर आ पहुँची है अगली सुबह बोहड़ के पचास साल दरख्त के नीचे दोनों की कटी पीटी लाशें पड़ी थीं और शीरी का भाई अनारकुल कुल्हाड़ी समेत थाने में बैठा अपने जुर्म का इकरार कर रहा था ये तकरीबन पाँच साल पहले की बात थी कब्रिस्तान में मौजूद बोहड़ का दरख्त इस बात का गवाह था कि दोनों इसी जगह इसके तने के साथ बैठे थे और यहीं अपने ही लहू में नहा गए थे पकार बांसुरी बहुत अच्छी बजाता था वो जब भी अपने दोस्तों में बैठता था इससे बांसुरी बजाने की फरमाइश ज़रूर होती थी लोग ये भी कहते थे कि शीरी इसकी बांसुरी की आवाज़ पर मर मिटी थी लाशों के पास ही खून आलूद बांसुरी पड़ी अपनी कहानी सुना रही थी लेकिन जो कहानी बाद में मशहूर हुई थी वो भी कुछ दिलचस्प और पुरसरार नहीं थी वैसे ही तूफ़ानी और तेज झक्कड़ों वाली रात इस वाकई की तकरीबन दो माह बाद फिर आई थी और लोगों ने दर्द में डूबी हुई बांसुरी की आवाज़ कब्रिस्तान में सुनी थी जो बोहर के दरख्त के ऊपर से आ रही थी सबसे पहले गोर करने की आवाज़ सुनी थी फिर चार सू इस आवाज के चर्चे हो गए थे और ये बात मशहूर हो गई थी कि जब भी तूफान आता है चाहे वो रात को आए या दिन के उजाले में बांसुरी की आवाज़ जरूर सुनाई देती थी चौधरी शबका साहब को इस केस पर काम करने का मौका ना मिल सका था और अब ये पुरसरा केस मेरे पास था लाश पोस्टमार्टम के बाद बुरसा के हवाले कर दी गई थी और मेरे सामने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी जो केस की फाइल के ऊपर ही लगी हुई थी रिपोर्ट के मुताबिक बड़े बड़े हाथों ने लाश का गला घूटा था डॉक्टर ने हैरत का इजहार किया था कि क्या किसी इंसान के इतने बड़े हाथ भी हो सकते हैं मौत का वक्त रात बारह बजे और एक बजे के दरमियान का लिखा था फिर वही आधी रात लेकिन बकौले थाने के अमले के वो तूफ़ानी रात नहीं थी लेकिन मेरे दिल में एक तूफान परपा था जब तक मैं इस केस को हल नहीं कर लेता मुझे सुकून मिलना मुहाल था यहाँ ये बात बताना दिलचस्पी से खाली ना होगा कि मरने वाला जवान माछी निजाकत का भांजा था कासिमाबाद और मोहब्बत के दरमियान एक छोटा सा दरिया बहता था तीन कश्तियां सारा दिन इस दरिया के इस पार से उस पार तक चलती थीं, जो दोनों गांव के मकीनों के दरमियान रबते का काम करती थीं इन कश्तियों के मालिकों का यही जरिया माश था और इस दरिया की शुमाली सम पानी जरा गहरा था इसलिए जिनको तैराकी नहीं आती थी वो इस तरफ जाने की हिमाकत नहीं करते थे वहां दरिया तीस फीट गहरा था लेकिन दरिया के इसी हिस्से से निजाकत अपनी रोटी रोजी हासिल करता था दरमियान में गहराई बीस फीट से ज्यादा थी मैंने ये सब तफी आपके कोशगुजार इसलिए की है कि आप कहानी सुनते हुए किसी उलझन का शिकार ना हो हाँ। बहरहाल मैंने पहले माछी नज़ाकत से ही तफ्तीश करने का फ़ैसला किया नज़ाकत जब अपने भांजे बकार की लाश लेने चौधरी शफकत के पास आया था तो उसने दरख्वास की थी कि मामले की तफ्तीश जरूर की जाए चौधरी शफकत ने इसे कानून की मजबूरी से आगाह करते हुए बाकायदा रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए महारे के पास भेज दिया था एक दिन हेड कांस्टेबल अकबर खान के हमरा सरकारी जीप में कासिमाबाद पहुंच गया वो गुलाबी जाड़े के दिन थे मेरे कहने पर निजाकत ने मेरे बैठने का बंदोबस्त छोटे दरिया के किनारे ही कर दिया सूरज की किरणें दरिया के पानी पर पड़कर बड़ा खूबसूरत मंजर पेश कर रही थी इसका दूसरा किनारा तकरीबन तीन मील दूर था और इस वक्त पानी बड़ी सुबुक रफ्तारी से बह रहा था मैंने नजाकत की आंखों में देखते हुए कहा नज़ाकत भाई ये तुम्हारे लिए दूसरा सदमा है वो एक धान पान सा बंदा था वो उम्र की बचपन बहारें देख चुका था रंग गोरा और नए नक्श पुरशिश थे और इस उम्र में भी इसकी सेहत अच्छी थी थानेदार साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दरअसल हमारे खून में ही मोहब्बत के जरासीम हैं क्या मतलब मैंने हैरान निगाह से उसकी तरफ़ देखते हुए कहा मैंने मोहब्बत की शादी की थी मेरे भाई शराफत ने भी इसी अमल को दोहराया था और मेरी बेटी की मिसाल भी आपके सामने है तो आप ये कहना चाहते हैं कि आपका भांजा भी मैंने दानिस्त फ़िक्रे को अधूरा छोड़ते हुए कहा मैंने ये तो नहीं कहा अल्लाह की अल्लाह ही जाने वैसे एक बात मैं आपको बता दूं कि मेरा भांजा शादीशुदा था शादी को दो साल हो गए थे लेकिन अभी तक इनके आंगन में किसी बच्चे की किलकारियाँ नहीं गूंजी थीं अच्छा मैंने हूँ भरा और फिर नज़ाकत की तरफ मुतवज्जा होते हुए कहा जरा अपने जहन को पाँच साल पीछे ले जाओ क्या तुम्हें यह पता लग गया था कि तुम्हारा बेटा अनारकुल की बहन शीर से मोहब्बत करता था थानेदार साहब मुझे ये कहानी उसके कत्ल से चंद दिन पहले पता चली थी अभी मैं इसके रिश्ते की बात चलाने ही लगा था कि ये वारदात हो गई मैंने देखा कि इसकी आंखों में आंसू आ गए मैं इसके माजी को एक ख़ास मकसद हासिल करने के लिए कुरेद रहा था अब एक बात का जवाब ज़रा सोच कर देना क्या ये मुमकिन नहीं है कि जिस तरह तुम्हें पहले अपने बेटे वक़ार की मोहब्बत का पता नहीं था इसी तरह अपने भांजे की मोहब्बत भी तुमसे ओझल रही हो उसने अपनी उंगलियों से आंसू पोंछने की कोशिश करते हुए कहा देखिए जी होने को तो सब कुछ हो सकता है लेकिन मेरा भांजा तो शादीशुदा था ये कोई दलील नहीं है क्या शादीशुदा बंदा मोहब्बत नहीं कर सकता मैं ऐसी बहुत सी मिसालें दे सकता हूँ बहरहाल आप थानेदार हैं इंसान की नफ्सियात से आगा होंगे और आपके पास ऐसे कई केस आए होंगे वैसे ये बात तो आपके इल्म में आ ही गई होगी कि मेरा बेटा और भांजा मर्दाना वजाहत के शाहकार थे उसने ये बात करके साबित कर दिया था कि वह जहीन भी है बात तो आपने अक्लमंदों वाली की है लेकिन कान को इधर से पकड़ो या उधर से बात तो एक ही है ना बिल्कुल जनाब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं निज़ाकत तुम्हारी कितने बंजे हैं अब तो जनाब दो ही रह गए हैं एक बेटी नाजो और बेटा सदाकत आपकी बेटी और बेटे की क्या उम्र होगी बेटी तो माशाल्लाह सत्ताईस साल की है जबकि बेटे की उम्र 20 साल है इन सवालों जवाबों से मैं इसको जिस तरफ लाना चाहता था वो इस तरफ आ चुका था देखो सवाल तो जाति नोयत का है लेकिन ये मौजूदा हालात में एक ज़रूरी सवाल है मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा मेरे आगे बोलने से पहले ही वो बोल पड़ा थानेदार साहब यह आपकी मेहरबानी है कि आप खुद चलकर मेरे पास आ गए हैं वरना तफ्तीश के लिए मुझे थाने में बुला सकते थे आप जो सवाल करना चाहें मैं जवाब देने के लिए हाजिर हूँ आपकी बेटी की शादी हो गई है नहीं अभी तक तो नहीं हुई कोई ख़ास वजह सबसे बड़ी वजह ग़रीबी है थानेदार साहब हमारे ख़ानदान में सिर्फ मेरी बहन फजीलत बेगम सिंधा है यानी अख्तर की माँ लेकिन वो अपने आप को फजीलत बेगम की बजाय ठेकेदार उस्मान की बेगम मिसज़ उस्मान कहलाना पसंद करती है उसका जहन आसमान पर है जब ही तो नाजुक को नज़रअंदाज करके उस्मान के दोस्त शेख वहीद की बेटी महजबी है अपने बेटे की शादी कर दी थी और मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरा भाई शराफत दो बेटियां छोड़कर मरा है इसकी छोटी बेटी सायका मेरे छोटे बेटे की मंगेतर है फजीलत बेगम या मिसिज़ उस्मान शहर में रहती थी मैंने जब नजाकत से उसका पता पूछा तो मुझे मालूम हुआ कि ये तो शहर का वही हिस्सा है जो हमारे थाने की हदूद में आता था अच्छा नज़ाकत भाई आप ये बात बिल्कुल ना सोचें कि मैं खुद चलकर आपके पास आया हूं आप मेरे लिए काबिल-ए-एहतराम हैं और अब हम चलते हैं अगर कोई बात मालूम हो तो मुझे इत्तला दे दीजिएगा देखिए जी मैं खुद हाजिर हूंगा वैसे भी सरतियां शुरू हो गई हैं ताज़ा मछली मैं आपके लिए जरूर लाऊंगा मैंने इसे नरमी से मना करते हुए हेड कांस्टेबल अकबर खान के साथ जीप में बैठ गया नजाकत से मुझे जोlumat हासिल हुई थी वो मेरे लिए आइंदा अमल बनाने में माबिन साबित हो सकती थी वैसे मेरे जहन में अभी कुछ सवाल थे इन सवालों के ठीक जवाब मुझे नज़ाकत से नहीं मिल सकते थे इसलिए मैंने इन्हें लबों तक नहीं आने दिया था और इनका ज़िक्र आगे आएगा चौधरी कासिम का रवैया भी मेरे लिए एक मम्म बना हुआ था इसने चौधरी शफकत से ये क्यों कहा था कि वो लाश का पोस्टमार्टम ना करवाए वरना वो नुकसान में रहेगा मैं अभी इसे छेड़ना नहीं चाहता था वरना इस जैसे फिरौन चौधरी तो मेरी जेब में पड़े रहते थे अगली सुबह मैंने इस फांस को जहन से निकालने का फ़ैसला कर लिया जो मेरे दिमाग में हलचल मचाए हुए थी मैंने दस बजे के करीब एस पी साहब को फ़ोन किया दूसरी ही घंटी पर उन्होंने फ़ोन अटेंड कर लिया मेरी आवाज़ सुनकर बोले हाँ भाई न्याज क्या बात है पहले मैंने इन्हें केस के मुताबिक बताया कि अब तक क्या कार्रवाई हुई है और फिर मौत बाना लहजे में कहा सर अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं एक सवाल करूं बिल्कुल भाई इजाज़त है सर चौधरी शफकत साहब की ट्रांसफ़र आम रूटीन की बात थी या आम रूटीन की बात थी लेकिन तुम्हारे जहन में क्या है खुलकर बात करो सर चौधरी कासिम ने शफकत साहब को कहा था कि वो लाश का पोस्टमार्टम ना करवाएं वरना खसारे में रहेंगे मैंने जानबूझकर कर नुकसान को खसारे में तब्दील कर दिया था ओह मैं समझ गया तुम्हारे जहन में जो बात हलचल मचाए हुए है इसे निकाल दो तुम खुलकर तफ्तीश करो मेरा ताउन तुम्हारे साथ होगा थैंक यू सर मैंने सिलसिला मुनक़े कर दिया इसके बाद मैंने एस आई आफ़ाक को अपने कमरे में तलब कर लिया जब वो बैठ चुका तो मैंने तमाम सूरत हाल उसके सामने रख दी सर अगर आप इजाज़त दें तो चौधरी को टटोलें कैसे टटोलोगे सर मेरे ख़्याल से मुखबिर औरत मुनासिब रहेगी बात तो तुम्हारी मकूल है लेकिन उन्होंने चंदला में तवक्कुफ किया और फिर गोया हुए मामला चौधरी कासिम का है और मेरे ख्याल में तुम चौधरी को मुझसे बेहतर जानते हो सर आप फिक्र ही ना करें सब कुछ मुझ पर छोड़ दें ठीक है मुझे फिलहाल इस बात का जवाब चाहिए कि इसने कासिम की लाश का पोस्टमार्टम करवाने के रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश क्यों की थी एस आई के जाने के बाद मैंने हेड कांस्टेबल अकबर खान को अपने कमरे में तलब कर लिया अकबर खान मैंने इसकी तरफ़ देखते हुए कहा तैयारी करो ठेकेदार उस्मान के घर जाना है ठीक है सर लेकिन लेकिन क्या सर वो तो ज़्यादातर बाहर ही रहता है दौलत कमाने की धुन उस पर सवार है जैसे वो इस दुनिया में सिर्फ पैसा कमाने के लिए आया हो अकबर खान की मालूम मेरे लिए किसी ख़जाने से कम नहीं थी मैंने हंसते हुए कहा लगता है कि उसके तुम बहुत कुछ जानते हो सर मेरा घर इसकी कोठी से ज़्यादा दूर नहीं है ओह फिर तो तुम इसके घरेलू हालात से भी वाकिफ़ हो गए सर इसकी बीवी बहुत गहरी और मकरूर है पड़ोसियों से मिलना तो अपनी शान के ख़िलाफ़ समझती है खैर तुम तैयारी करो मुझे फिलहाल उस्मान की ज़रूरत नहीं है इसकी बीवी और बहू से कुछ बातें करनी हैं ठीक है सर आधे घंटे में मैं आपको बिल्कुल तैयार मिलूंगा लेकिन अभी अकबर खान को गए ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि सिपाही मंसूर ने आकर इतला दी सर चौधरी कासिम आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं इसके साथ कौन कौन है मुझे तजुर्बा था कि चौधरी कासिम जैसे बंदे अकेले कहीं आया जाया नहीं करते दो गनमैन हैं सर और एक सा जवान गनमैनों को थाने से बाहर निकाल दो और चौधरी और जवान को अंदर आने दो कुछ देर के बाद चौधरी गर्दन अखड़ाए मेरे दफ्तर में दाखिल हुआ उसने एक जवान का बाजू पकड़ा हुआ था जवान सहमा हुआ था उसके चेहरे के तासरात इस कबूतर जैसे थे जो किसी बास के शकंजे में फंस गया हो लेकिन जवान को देखकर मैं पहुँच चुका है क्या वो नज़ाकत माछी का बेटा सदाकत था चौधरी ने यूं मुझसे हाथ मिलाया जैसे मेरी सात पुश्तों पर एहसान किया हो चौधरी साहब खैर तो है इस गरीब को क्यों पकड़ कर ले आए जनाब ये तो अभी बताता हूँ पहले ये बताएं कि आपके बंदों ने मेरे कार्स को बाहर क्यों निकाल दिया इसलिए कि यह आपकी हवेली नहीं मेरा थाना है और यहाँ की जिम्मेदारी और हिफाजत आपके गार्ड्स की नहीं मेरे अहलकारों की जिम्मेदारी है आप तशरीफ़ रखें वो खून के गुट पीकर रह गया लेकिन तशरीफ़ उसने बहरहाल रख दी और बोला इसको तो आप जानते ही होंगे बिल्कुल ये माछी नज़ाकत का बेटा है लेकिन आपने ये तो बताया ही नहीं कि आप इसको क्यों पकड़ कर ले आए हैं थानेदार साहब मैंने मोरों का जोड़ा मकवाया है ये काफ़ी दिनों से उसकी ताक में है आज मेरे गार्ड्स ने इसे हवेली के आसपास मंडलाते देख लिया इसलिए गार्ड्स को मैं साथ ले आया हूँ मैंने देखा कि उसके चेहरे के तासरत उसकी ज़बान का साथ नहीं दे रहे और ये बात किसी तरह भी हलक से उतरने वाली नहीं थी कि वो कार्स के बग़ैर अगर दरमियान में सदाकत का मामला ना होता थाने में ना आता अगर वो ये हिमाकत वाली बात ना करता तो फिर भी कुछ बात बन जाती लेकिन कहते हैं ना कि झूठ के पाँव नहीं होते और इसलिए वो ऐसी दर दर में धस जाता है जो उसका भांडा फोड़ देती है लेकिन ये सब जो मेरे थानेदारा ना तजुर्बे ने मुझे सिखाया था चौधरी पर आशिकारा नहीं करना चाहता था मैंने इसे नर्म लहजे में कहा चौधरी साहब आप इसे मेरे पास छोड़ जाएं अगर आपके बॉडी गार्ड्स की ज़रूरत हुई तो इन्हें भी सहमत दी जाएगी चौधरी साहब को रुख्सत करने के बाद मैंने जवान से कहा बैठ जाओ वह हैरान निगाहों से मेरी तरफ़ देखते हुए बैठ गया क्या तुम्हारे वालद साहब को पता है कि चौधरी तुम्हें यहाँ लेकर आया है नहीं जनाब वो परेशान हो रहे होंगे जवान बहुत ज़्यादा खौफजदा था

चौधरी साहब ऐसी कोई बात नहीं मैं तो इन्हें सिर्फ देख रहा था चौधरी साहब के साथ बाडी गार्ड्स भी थे और इस तरह ये मुझे थाने में ले आए अच्छा चलो ये बात मान ली चौधरी साहब ने राई का पहाड़ बना दिया लेकिन तुमने राई तो तुम मुहैया की ना यानी तुम इसके मोरों को देख तो रहे थे ना क्या ये जुर्म है थानेदार साहब उसने भोलेपन से कहा हमारी नज़र में तो नहीं बहरहाल मैंने इसे कांस्टेबल की बैरिक में भेज दिया और अमले को ताकीद कर दी कि इसके खाने पीने का माक़ूल बंदोबस्त किया जाए और अगर इसका बाप आए तो इसे इज़्ज़त और अहतराम से बिठाया जाए और इसे भी चाय पानी पिलाया जाए अभी मैं ये सब झंझट निपटा कर फारि ही हुआ था कि अकबर खान ने आकर इतला दी सर तैयारी मुकम्मल है कुछ देर के बाद मैं और अकबर खान सरकारी जीप में बैठे ठेकेदार उस्मान की कोठी की तरफ जा रहे थे हम बायदा वर्दी में थे कोठी के बाहर एक छोटा सा मैदान था हमने चीप वहाँ खड़ी की और कांस्टेबल अकबर खान ने कोठी के मेन गेट के बाहर लगी पर की घंटी पर उंगली रख दी अंदर कहीं दूर घंटी बजने की आवाज़ आई फिर कोठी का जेली छोटा सा गेट खुला और एक छोटे से कद के बंदे की शक्ल नज़र आई उसका सर बिल्कुल साफ था और आंखें तेजी से गर्दिश कर रही थी वो हमारी बर्ती देख बाहर निकल आया और हैरान निकाहों से हमारी तरफ देखने लगा बाहर हर कुछ देर की मगज़ खपाई के बाद हम कोठी की सजी सजाई बैठक में बैठे मिसेज उस्मान का जायज़ा ले रहे थे वो अपने भाई की तरह धान पानसी थी उम्र पचास का हिंसा अबूर कर चुकी थी रंग गोरा और नैन नक्श अब भी पुरकशिश थे वैसे गुजरे सालों ने उसके हुसन को काफ़ी मान कर दिया था बीबी -बी, तुम्हारा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा मैंने नपे तुले अल्फाज इस्तेमाल करते हुए कहा इसका नाम न ना लें हमने इसे भुला दिया है देखें हम इसकी लाश लेने भी नहीं गए मैं इसके मुतालिक कोई बात नहीं करना चाहती देखें खातून सियाने कहते हैं कि हाथी फिर एक गांव गाँव जिसका हाथी उसका नाव फिर मैं एक वाक्य की तहकीकात कर रहा हूं मैंने औरत होने के नाते आपकी इज्जत का ख्याल किया है मैंने चंद्रमा में तवक्कुफ किया और फिर खुश्क लहजे में कहा मैं खुद चल कर आ गया हूँ वरना आप इस वक्त थाने में बैठी होती वो तो सब ठीक है मुझे अख्तर के मुतालिक बातें करते हुए दुख होता है वो एकदम छग की तरह बैठ गई मुझे आपके दुख का एहसास है मैंने भी एकदम लहजे को नरम करते हुए कहा आपको अख्तर से क्या शिकायत थी मैंने इसकी शादी एक अच्छे और मोजिस ख़ानदान में की लेकिन वो तो गांव का दिल दादा था दो महीने बाद ही उसने अपनी बीवी से लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया और नाराज़ होकर गांव चला गया वैसे मुझे तो एक और शक है उसने राजदाराना लहजे में कहा मेरे कान खड़े हो गए और मैंने भी लहजे को धीमा करते हुए कहा कैसा शक नाजो ने उसे अपने जाल में फांस लिया था क्या मैंने हैरान ने से उसकी तरफ़ देखते हुए कहा यानी आपकी भतीजी ने जी हाँ तभी तो उसने अपनी बीवी के साथ निभा नहीं किया और गांव चला गया क्या आपके पास इस बात का कोई सबूत है इन बातों का कोई सबूत होता है उसने मुंह टेढ़ा करते हुए कहा क्या कभी अख्तर ने इस बात का इज़हार किया था कि वह नाजो से शादी करना चाहता है नहीं नहीं कभी नहीं अगर करता भी तो मैं कभी से अपनी बहू बना के लेके आती क्यों वो आपके भाई की बेटी नहीं है थानेदार साहब ये हमारे ख़ानदानी मामलात हैं इसलिए इस मौजू को आप ना ही छेड़ें तो बेहतर है अच्छा ये बताएं क्या आप भी गांव वालों के इस ख्याल से मुतफ़ हैं कि आपके बेटे को शीरी फ़राद की रूह ने मारा है नहीं मुझे ऐसी बातों पर यकीन नहीं है फिर आपके ख्याल में क्या बात हो सकती है मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा इसके मुताल मैं क्या कह सकती हूँ अच्छा अपनी बहू को ज़रा इस बैठक में भेज दें और ख़ुद बाहर ही बैठें वो तो काफ़ी अरसे से अपने माँ बाप के पास बैठी हुई है जब बेटा ही घर में नहीं था तो इसके बाद हमने इसकी बहू का पता लेकर वहाँ से वापसी का रफ्त सफ़र बांध लिया था अजीब गोरख धंधा था वैसे एक उलझन तो दूर हो गई थी कि लाश लेने अख्तर के वालदेन थाने में क्यों नहीं आए थे मेरे इल में ये बात आई थी कि नजाकत लाश थाने से लेकर गया था और इसे गांव में ही दफन किया था इसी कब्रिस्तान में जहां इसके बेटे और इसकी महबूबा की कब्र थी ये बात बज़ाहिर हैरानगी वाली थी कि कोई वालदेन इतने पत्थर दिल भी हो सकते हैं वैसे मुझे फजीलत बेगम उर्फ मिसेज उस्मान लालची और ख़ुद लगी थी ऐसी माँ अपनी औलाद को भी अपनी छोटी अना और ज़िद पर कुर्बान कर सकती थी खैर मुझे अब उम्मीद पैदा हो चुकी थी कि यह केस जल्द किसी ठिकाने लगने वाला था जब मैं थाने पहुंचा तो मेरी तो मुताबिक मुझे पता चला कि नज़ाकत काफ़ी देर से आया बैठा है कुछ देर के बाद मैंने इसे अपने कमरे में बुला लिया मैंने इसे बैठने का इशारा किया और बकर इसके चेहरे की तरफ देखने लगा वो परेशान और मुस्तरब लगता था ये तो एक फित्री बात थी उसका बेटा थाने में बैठा था थानेदार साहब आपने सदाकत को क्यों बिठाया हुआ है तुम्हारा लगते जगत चौधरी कासिम के मोरों के पीछे पड़ा हुआ है जनाब ये बिल्कुल झूठ है फिर सच क्या है नज़ाकत अली यह तो मुझे पता नहीं है अलबतः एक बात मेरे जहन में आ रही है क्या बात है खुलकर बात करो मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ किसी से डरने की झिझकने की ज़रूरत नहीं है मैंने इसकी हौसला अफजाई करते हुए कहा चौधरी कासिम कोई ख़तरनाक खेल खेल रहा है वो चाहता है कि मैं ये लिख कर दे दूँ कि हाँ हाँ कहो मेरा तजस्स सातवें आसमान को छू रहा था चूँकि अख्तर ने शी फराद की कपड़ों की बेहरमती की थी इसलिए इनकी रूहों ने इसे मार दिया है चौधरी ने यह बात कब तो मैं कही थी जनाब आज ही उसका एक बंदा ये पैगाम पहुंचा कर गया है और साथ ही ये कर गया है कि मैं अगर ये काम कर दूं तो इसका बेटा घर आ सकता है ओह मैं ये बात सुनकर ज़रा हैरान नहीं हुआ क्योंकि मुझे पहले ही शक था कि चौधरी नज़ाकत के बेटे को थाने में पहुंचाकर कर चौधरी कासिम कोई मकसद हासिल करना चाहता है मोरों को चोरी करने वाली बात बचकाना लगती है मैंने सदाकत को सिर्फ इसलिए थाने में बिठा लिया था कि मकसद मालूम हो सके तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ अभी अपने बेटे को इधर ही रहने दो मैंने इसे मुलमों की तरह नहीं बल्कि मेहमानों की तरह रखा हुआ है इसमें तुम्हारी ही बेहतरी है बात इसकी समझ में आ गई कुछ देर खामोश रहने के बाद वो बोला थानेदार साहब अब हमारा क्या होगा हम चौधरी का मुकाबला नहीं कर सकते तुम इसकी बिल्कुल फिक्र ना करो अब ये मेरी दर्द सरी है कि चौधरी के साथ करना क्या है मैं जल्द ही इन केस को हल कर लूँगा लेकिन मैंने चंदला में उसके चेहरे की तरफ़ बौौर देखा और फिर कहा तुम्हारी ताउन की ज़रूरत है मुझे मेरे ताउन की उसने से लब दोहराया और फिर बोला किस किस्म का तावन अख्तर के मुतालिक, फिर मैंने इसे वो बातें बताईं जो इसकी बहन और मेरे दरमियान हुई थी थानेदार साहब अब अख्तर इस दुनिया में नहीं रहा इसलिए आप शायद मेरी बातों का यकीन ना करें लेकिन जो हकीकत है वो मैं आपके गोश गुजार कर देता हूँ नाजो को अपनी कज़न से ज़्यादा बहन समझता था बात दरअसल इतनी सी है कि इसे अपने घर का माहौल पसंद नहीं था वो गांव के माहौल में पला बड़ा था इसे इस दरिया से इश्क था यकीन करें जब इसे बताया गया कि इसकी शादी ऊंची सोसाइटी की रूह रवा मैं जब हो रही है तो उसने मुझे कहा मामू मैं ये शादी नहीं करूँगा मैंने इसे समझाया बेवकूफ़ी ना करो शादी कर लो वरना तुम्हारी माँ नाजो को बदनाम कर देगी उसने कहा था मामू चाद मैं नाजो को अपनी सगी बहन की तरह समझता हूँ मैं इस पर कोई इल्जाम नहीं आने देना चाहता इसलिए मैं ये सूली चढ़ जाऊंगा मैंने सोचा ये सब जज्बाती बातें हैं धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा और वाकई हुआ भी ऐसे ही वो इसे लेकर यहाँ भी कई दफा आया था यानी अपनी बीवी को आपको ये बात भी बता दूं कि मेरे पास दो कश्तियां हैं कश्ती रानी अख्तर का महबूब मशगला था वो नाज़ो और महजबी को कई दफ़ा कश्ती में बिठाकर दरिया की सैर को ले गया था लेकिन कुछ ही ऐसा गुजरा था कि वो परेशान रहने लगा मैंने कई बार पूछा भी लेकिन वह हंसकर टाल जाता था आखिर एक दिन नाज़ो ने इसे पूछा अख्तर भाई क्या बात है आजकल आप बहुत परेशान रहते हैं कहीं भाभी से कोई झगड़ा तो नहीं हो गया वो नाजो के सामने रो पड़ा और बोला मैं एक बंद गली में आ गया हूँ ना आगे जा सकता हूँ और ना ही पीछे आ सकता हूँ मुझे मैं जब इनसे मोहब्बत हो गई है लेकिन वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती वो अपने कज़न के साथ शॉपिंग के लिए चली जाती है और ऐसी बोल्ड महफिलों में जाती है जो मुझे एक आंख नहीं भाती मैंने इसे कई बार समझाया कि औरत घर की चार दीवारी के अंदर ही महफूज रहती है इसकी इज़्ज़त और तोकीर घर के अंदर ही महफूज रहती है लेकिन वो मेरी बातों से मुश्तल हो जाती है और पता है ना जो एक दिन मुझे यहाँ तक कह दिया कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतने धके उन ख़्याल के मालिक हो मैं घर की चार दीवारी के अंदर घुड़ घुट कर नहीं जी सकती तुम मुझे अपने पैरों की धूल बनाना चाहते हो मैंने इसे प्यार से समझाया कि मैं इसे बेानतहा मोहब्बत करता हूँ और वो मेरे दिल की मलका है लेकिन अब मैं क्या करूँ वो अपनी डगर से एक इंच भी इधर उधर हटने को तैयार नहीं है मैं मर जाऊंगा इसके बग़ैर मेरी ज़िंदगी मुहाल है इसके बिना नाज़ों ने इसे समझाया अख्तर भाई आप कुछ अर्सा इधर ही रह जाएँ भाभी को आपकी कदर आ जाएगी और वो आपको खुद आकर ले जाएगी मुझे तो उम्मीद नहीं खैर फ़िलहाल तो मेरा वहाँ जाने को दिल भी नहीं कर रहा और जब ये बात मुझ तक पहुँची तो मैंने भी इसे तसली दिलासा दिया और एक कश्ती उसके हवाले कर दी कि वो मुसाफिरों को इधर से उधर पहुँचाता रहे इस तरह उसका दिल भी बहला रहेगा और जो आमदनी होगी उससे अपना खर्च चलाता रहे ये कितने अफसोस की बातें थानेदार साहब लाखों का मालिक और तही दस्त हमने इसकी जहनी हालत के पेश नज़र इसे अपने पास रहने के लिए कहा था हम इसे सहारा न देते तो वह या तो पागल हो जाता या दरिया में छलांग लगा देता वो खामोश हो गया और यूँ महसूस हुआ जैसे कायनात की सांसें रुक गई हों इस दौरान में मैं ये भूल ही गया था कि हम थाने में बैठे हैं मैंने सकूत को तोड़ते हुए कहा निजाकत अली तुम बेफिक्र होकर जाओ मैं सारी बात समझ गया हूँ और तुम्हारी बात पर यकीन भी आ गया है अब सिर्फ एक बात बताओ जिस सुबह अख्तर की लाश कब्रिस्तान से मिली थी वो रात को किस वक्त घर से निकला था और क्या बता कर गया था वो रात को रोज़ ही बाहर जाता था जी और जब जी जाता था वापस आकर सो जाता था यहाँ थानेदार साहब चोरी चकारी का तो बिल्कुल डर या धड़का है नहीं इसलिए दरवाज़ा खुला रहता है अजीब बात है आखिर बहरहाल सुबह तो आपको पता चल ही गया होगा ना कि वो अपने कमरे में नहीं है वो ज़रा देर से उठता था इससे पहले कि हमें कोई शक होता यह होना कितला हम तक पहुँची कि कब्रिस्तान में इसकी लाश पड़ी है बात वहीं आ पहुँची जहाँ से शुरू हुई थी बहरहाल निज़ाकत अली के जाने के कुछ देर बाद एस आई आफा की शक्ल नज़र आई इसकी शक्ल नज़र आई तो मुझे ये भी याद आ गया कि मैंने इसे कोई काम करने के लिए कहा था और जब मैंने इसे काम के मुताल इस किया तो इसके जवाब से मेरे अंदर बाहिर रोशनी हो गई मुखबिर औरत ने अपना काम खुशलूबी से अंजाम दिया था मुझे महाजबीन से भी एक छोटी सा इंटरव्यू करना था ये इसी शाम की बात है मैं सिपाही खुर्शीद को लेकर महाजबी की रिहाश पर पहुंच गया ये भी एक बड़ी कोठी थी इसकी बनावट बता रही थी कि मकीनों ने खुला पैसा इसमें लगाया था वैसे हमें इससे क्या कर्ज हो सकती थी हम तो जिस मकसद के लिए आए थे वो हासिल करना था हम सादा कपड़ों में थे यहाँ मैं बात को ज़रा मुख्तसर करूँगा कुछ देर के बाद मैं और महाजबीन एक अलहदा कमरे में बैठे हुए थे सिपाही को मैंने ड्राइवर के पास जीप में छोड़ दिया था ज़ाहिर है मुझे तारुफ तो करवाना पड़ा था मैंने महाजबीन का बकर जायज़ा लिया वो गोरे चिट्टे रंग की एक खूबसूरत और दीदा जेब औरत थी इस वक्त उसने अच्छी तरह अपने आप को चादर में लपेटा हुआ था और किसी तरह भी अल्ट्रा मॉडर्न नहीं लगती थी बीबी मुझे अफसोस है कि तुम इस उम्र में बेवा हो गई हो मैंने गुफ्तगु का आगाज किया थानेदार साहब मैंने अपने पाँव पर खुद ही खुलाड़ी मारी है लेकिन उसने अपनी आंखों में आए हुए आंसुओं को चादर के पल्लू से खुश करते हुए सिलसिला गुफ्तगु जारी रखते हुए कहा जो कुछ मैं बताऊंगी आपने अपने तक महदूद रखना है अब इन बातों को दोहराने का कोई फायदा नहीं है ये मेरी आपसे दरखास्त है तुम बिला झिझक सब कुछ कह दो थानेदार साहब जब मेरी अख्तर से शादी हुई तो मेरी माँ और सास ने मेरे कान में ये बात डाल दी कि अख्तर को अपने काबू में रखना है यह जाहिल गंवार नाजों पर मरता है इसलिए मैं चाहते हुए भी अख्तर के करीब ना हो सकी वो मुझे वालेहाना चाहता था दूसरे हमारे घर का माहौल और ससुराल का माहौल एक जैसा था अख्तर को यह आज़ादी एक आंख न भाती थी इसलिए हमारे दरमियान खिंचाव की कैफियत रहती थी फिर आखिर वो यहाँ से चला गया और मेरी सास को ये बोलने का मौका मिल गया कि देखो मेरा कहना पत्थर पर लकीर साबित हुआ ना यहाँ पहुँच वो चंद्रमे के लिए रुकी पानी का गिलास पिया फिर इसकी आवाज़ दोबारा मेरे कानों से टकराई मैं गलत थी मैंने नाज़ों से मिलकर यह अंदाज़ा लगाया कि वहाँ ऐसी कोई बात थी ही नहीं फिर एक दिन वो आया जब मैं अपने कज़न के साथ ड्राइंग रूम में तनहा बैठी हुई थी कि अख्तर आ गया वो हमें बैठा देखकर चुपचाप उल्टे कदमों से वापस चला गया इसके बाद वो इस घर में फिर नहीं आया कुछ दिनों बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपनी नादानी में ये दिन देखा है अब मैं ये चाहती थी कि अख्तर मेरे पास आ जाए मैं इसे दुनिया भुला दूंगी। ये ख्वाहिश भी थी कि मैं इसे ये कह कर मना कर ले आऊं कि अब मैं बदल गई हूँ मैं तुम्हारे रंग में रंग गई हूँ मगर उफ ये अना की दीवार मेरी सास ने कहा वहाँ इन चाहिल कंवर लोगों के पास जाने की कतई ज़रूरत नहीं वो खुद घर छोड़कर गया है खुद ही आएगा मैं सोचने लगी कि ये कैसी पत्थर दिल्मा है मगर मुझे तो चैन ही नहीं था गलती मेरी ही थी आखिर मैं यहाँ आ गई ये कहकर आ गई कि जब अख्तर आएगा तो मैं भी आ जाऊँगी माफ़ी मांग लूंगी आखिर एक दिन अपनी एक सहेली के तब उनसे मैं अख्तर के पास पहुंच गई लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी अख्तर ने यह बताकर मेरे सर पर गोया बम फाड़ दिया कि इसे एक लड़की मिल गई है जो इसे मोहब्बत करती है और अब हमारे रास्ते जुदा हो गए हैं मैं रो पड़ी नदामत पानी बनकर मेरी आंखों से बहने लगा मैंने अख्तर के पाँव पकड़ लिए वो जवान मर्द था मैं इसकी बीवी थी वो पिघल गया और कहने लगा ये लड़की खुद मेरी तरफ बड़ी थी एक दिन कश्ती में बैठ कर गई थी इसके बाद उसने अकेली कश्ती बुक करवाई थी धीरे धीरे मैं भी इसमें दिलचस्पी लेने लगा अब बात काफ़ी आगे पड़ गई है अब जबकि महजबीन तुम नए रूप में आई हो जो कि मुझे पसंद भी है तो मुझे महसूस हो रहा है कि मैं अपने आप को धोखा देता रहा हूँ मुझे मोहब्बत तो सिर्फ तुमसे है मैं इस लड़की को भी शायद धोखा देता रहा हूँ मैं वापस आ गई मैं अब मुतमईन थी लेकिन मेरा ये इतमान छः दिन से ज़्यादा बरकरार न रह सका वो खुद तो ना आया इसके मरने की खबर मुझ तक पहुँच गई मैं बहुत रोई और रोते रोते बेहोश हो गई थानेदार साहब मुझे बहुत देर हो चुकी थी मेरे साथ यही होना चाहिए था मैं इसका आखिरी दीदार करने गई तो वहाँ मैं रोते रोते एक बार फिर बेहोश हो गई और मुझे डॉक्टर की तको धोखे बाद दो घंटे बाद होश आया जब मैंने इससे लड़की के मुतालिक इस्तफसार किया तो मुखबिर औरत की बातों की तस्दीक हो गई मैं बोझल दिल के साथ वापस आया रास्ते भर में सोचता रहा कि हम अपनी गलती का इजाला करने में इतना वक्त क्यों ज़ाया कर देते हैं कि वक्त हमारे हाथ से ही निकल जाता है अब मैं देर नहीं कर सकता था मैंने सिपाही अजमत हेड कांस्टेबल रऊफ़ रोशन को साथ लिया और मंजिल मकसूद पर पहुंच गया हर बात रोजे रोशन की तरह यहाँ हो चुकी थी हमारी मंजिल चौधरी की हवेली थी क्योंकि लड़की चौधरी कासिम की जवां साल बहन ज़ेबा थी चौधरी मुझे सिपाही अजमत और हेड कांस्टेबल के साथ देखकर परेशान हो गया और जब मैंने इससे कहा कि मैं इसकी बहन सेबा से चंद सवाल करना चाहता हूँ तो वो मुझे अलग कमरे में ले गया और एक माकूल रकम की पेशकश की फिर हाथ जोड़कर बोला अब मेरी इज्जत आपके हाथ में है मैंने कहा चौधरी साहब मुझे शर्मिंदा ना करें इज्जत और जिल्लत इस बारी ताला के हाथ में है अब बात आगे बढ़ चुकी है आप अपनी बहन को भेज दें देखें उसने सारी बात मुझे बाद में बताई थी जब पानी सर से गुजर चुका था आप रिपोर्ट में ये लिखते हैं कि अख्तर का गला शीरी फरत की रूहों ने घूटा था और फिर वो बांसुरी की आवाज़ देखें चौधरी साहब मुझे सख्ती पर मजबूर ना करें बांसुरी की आवाज़ का राज भी मैं पाकर ही रहूंगा आप जेबा को लेकर आएं चौधरी बोझल कदमों से उठकर चला गया पाँच मिनट बाद आकर बताया कि जेबा हवेली में नहीं है मुझे गुस्सा आ गया और मेरे मुंह में जो आया वो मैंने कहा कहने लगा लेकिन चौधरी पर उसका कोई असर ना हुआ वो गुमसुम था परेशानी उसके चेहरे पर नक्श थी आखिर मैंने कहा चौधरी साहब मैं हवेली की तलाशी लेना चाहता हूँ सर्च वारंट के बगैर आप ये काम नहीं कर सकते चौधरी ने गुस्से में कांपते हुए कहा मैंने जेब से निकाल कर उसके सामने बहुत गया दरअसल मुझे पता था कि चौधरी टेढ़ी खीर साबित होगा इसलिए मैं जब इनकी तरफ जाने से पहले मैंने ए एस आई को कहा था कि वो चौधरी की हवेली का सर्च वारंट ले आए और मेरे वापस आने से पहले पहले उसने ये काम कर दिया था इसके अलावा चूंके मामला चौधरी कासिम का था इसलिए मैंने यहाँ आने से पहले एस साहब को फोन करके भी बता दिया था बहरहाल हम हवेली से वापस आए हमें कहीं कहीं नहीं मिली थी अब चौधरी ने इसे कहीं भेज दिया था या वो खुद ही पुलिस को देखकर इधर उधर हो गई थी वैसे चौधरी की अकल फूं अब हवा हो चुकी थी और उसने मुझे इस दलील से ये बावर कराने की कोशिश की थी कि अगर उसने सेबा को गायब किया होता तो हवेली की तलाशी में इतनी रुकावट न बनता दलील काफी बजनी थी लेकिन अभी मैं कोई हतमी राय कायम नहीं कर सकता था हो सकता था उसने अपने किसी गुर्गे से उसे कत्ल करवा के लाश को कहीं दफन करवा दिया हो इज्जत और गैरत में ये तो होता ही है अगली सुबह वो हो गया जिसकी बहर हाल मुझे तो नहीं थी नजाकत अली ने इतला भिजवाई कि जेबा की लाश उसके जाल में फंस गई है वो मछलियों के लिए रात को जाल लगा देता था मैंने जरूरी तैयारी के बाद दो सिपाहियों को साथ लिया और दरिया पर पहुंच गया वहां बीस पच्चीस लोग जमा थे जिनमें चौधरी और उसके चार गार्ड्स भी शामिल थे नज़ाकत के चेहरे पर हवाया उड़ रही थी मैंने लाश बाहर निकलवा कर चारपाई पर डलवा दी बहर हाल हमने जरूरी कार्रवाई के बाद लाश पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दी चौधरी के शानी छुके हुए थे उसने इस बार पोस्टमार्टम करवाने के रास्ते में रखना अंदाजी नहीं की कभी कभी हालात ऐसे आ जाते हैं के अच्छा भला आदमी ठह जाता है बहरहाल चौधरी कासिम जैसे फिरोनों के लिए ऐसे मकाफात अमल आ रहे हैं अब सवाल ये था कि आया जेबा को दरिया में धक्का दिया गया था या उसने खुद ही छलांग लगाई थी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने से पहले यह उगदा भी हल हो गया मुझे थाने के पते पर एक खत मौसूल हुआ और ये खत मैंने अपनी डायरी में नोट कर लिया था लीजिए आप भी सुन लीजिए मे सेवा हमशीरा चौधरी कासिम बाहोश ये इकरार करती हूँ कि मैं दरिया में कूद कर ख़ुदकुशी कर रही हूँ आपको मेरी लाश मिल जाएगी आप इसे हथकड़ियाँ लगा कर अपनी ख्वाहिश पूरी कर लीजिएगा मैं अरसा दो साल से बेवगी की ज़िंदगी बसर कर रही थी पता नहीं क्यों अख्तर मुझे पसंद आ गया उसके दिल में क्या था इसके मुताल मैं कुछ नहीं कह सकती थी लेकिन मैं तो इसकी दीवानी हो गई थी मैं काफ़ी अर्से से इसे अपनी तरफ मुतव करने की सही कर रही थी लेकिन वो पत्थर बना हुआ था आखिर कुछ हर पहले ये पत्थर मोम हो गया उसने मुझे बताया कि इसकी बीवी के साथ नहीं बनी इसलिए वो इधर ही आ गया है अजीब धूप छाओं की कैफियत थी कभी कभी मुझे महसूस होता था कि वो मुझे चाहने लग गया है और कभी उसकी आँखों में अजीब सी वीरानी और बेकान की हिलकोरे ले रही होती थी फिर एक दिन उसने ये कहकर मुझे आसमान से ज़मीन पर फेंक दिया कि वो मुझसे लगी कर रहा था मैं इसे फूल जाऊँ मैंने इसे कहा अख्तर मैं बहुत आगे निकल गई हूँ अब वापसी नामुमकिन है अगर उसने दामन छुड़ाने की कोशिश की तो मैं इसे मार दूंगी या खुद दरिया में कूद जाऊंगी उसने कहा लौट जाओ मैं अपनी बीवी के पास वापस जा रहा हूँ वो बदल गई है और मशक्की औरत के रूप में वापस आ गई है मैं दिन रात अंगारों पर लौटने लगी मैंने इसे पैगाम भिजवाया कि वो आखिरी बार मुझे कब्रिस्तान में मिले मेरी शादी नाकाम हो गई थी पहले एक मर्द ने मुझे टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया था अब ये दूसरा मर्द मेरे साथ बेवफाई कर रहा था मैंने अख्तर को मानने का फैसला कर लिया था मैंने सोचा अगर वो मेरा नहीं बन सकता तो किसी का भी नहीं बनने दूंगी मैं इसे इस तरह मानना चाहती थी कि ये किसी जिन भूत का कारनामा लगे मैंने बड़े बड़े दस्ताने हासिल किए और आखिरी मुलाकात पर उसका गला घोंट दिया मैं खुद हैरान हूँ कि इस रात मेरे अंदर इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी मैं अख्तर को मारकर भी सुकून में नहीं थी लेकिन ये सोचकर के खुदकुशी करने से मेरे भाई की इज्जत बिल्कुल ही तार तार हो जाएगी चुप होकर बैठ गई मैं इस खुशफहमी में मुबतला थी कि शायद इस केस को दाखिल दफ्तर कर दिया जाए दरअसल मैंने इसी रात को ही भाई भाईचान को सब कुछ बता दिया था फिर इस दिन मेरी सारी खुशफहमी हवा हो गई जब आप पूरी तैयारी के साथ हवेली में आए मैं पिछले दरवाजे से निकलकर अपनी सहेली के घर आ गई यहाँ बैठ मैं ये खत लिख रही हूँ मैंने सहेली को सब कुछ बता दिया है और ये भी कह दिया है कि अब मेरे लिए ख़ुदकुशी के अलावा कोई रास्ता नहीं रह गया है वो गुमसुम है मैं इससे दरख्वास्त करूंगी कि यह खास सुबह जाकर ज़रूर पोस्ट कर दें इस बात की वजाहत एक बार फिर कर दूँ कि मुझे भाईजान ने नहीं भगाया था बल्कि मैं खुद ही निकल गई थी मैं हवेली से गिरफ्तार नहीं होना चाहती थी ये तो जेबा का ख़त था जो उसने खुदकुशी करने से पहले लिखा था अब मसला रह जाता है बांसुरी की आवाज का ये दो दिन बाद की रात का जिक्र है अचानक तूफान के आसान नमोदार हो गए मैंने कांस्टेबल अकबर खान को और सिपाही खुर्शीद को साथ लिया और कब्रिस्तान में पहुंच गया इस वक्त तक तेज हवाओं के झक्कर चलने शुरू हो गए थे आहिस्ता आहिस्ता तूफान में शिद्दत आने लगी दरख्त लरसने लगे हम कब्रों के ऊपर पचास साल बोहड़ के दरख्त के नीचे खड़े थे अचानक ऐसी आवाज़ आने लगी जैसे कोई नज़ा की हालत में बांसुरी बजाने की कोशिश कर रहा हो आवाज़ वाज वाजे नहीं थी कभी ये आवाज़ बांसुरी की लगती और कभी यूं महसूस होता था जैसे हवाएं रो रही हों हम पूरी तैयारी के साथ आए थे जिसमें दरख्त पर चढ़ने का सामान भी था हेड कांस्टेबल अकबर खान इस काम का माहिर था और दिलेर भी था उसने वर्दी के ऊपर एक ऐसी बुलेट भी बांधी हुई थी जैसी आपने अक्सर बिजली ठीक करने वालों के लिबास के ऊपर देखी होगी इसमें सिर्फ़ एक चीज़ का इजाफा था कि इसमें एक ऐसा खाना बना हुआ था जिसमें टार जलाकर रखी जा सकती थी हमारे साथ गोरकन भी था हमने इसे सारी बात बता दी थी और ये भी बता दिया था कि हम क्या करना चाहते हैं तकरीबन पांच सालों से लोगों के लिए ये मोम बना हुआ था बांसुरी की गैर वाज़ आवाज़ का राज मालूम करने के लिए इस तूफ़ानी रात में पहाड़ों का बासी अकबर खान दरख्त पर चढ़ रहा था बड़ा पुरसरार और रोंगटे खड़े कर देने वाला माहौल था यूं महसूस हो रहा था जैसे हज़ारों रूहें बैन कर रही हों और इसमें बांसुरी की दर्द में डूबी हुई आवाज़ जो मुझे तो गैर बाजी ही लग रही थी मजीद दहशत जदा कर रही थी हम पुलिस वाले तो ऐसे माहौल के आदि होते हैं हमारे पास बड़ी बड़ी टार्चें थीं जो हमने जला रखी थी अलबत् गोरकंद मजनू की तरह कांप रहा था आधे घंटे के बाद अकबर खान नीचे उतर आया वो हंस रहा था पहले तो मुझे यूं महसूस हुआ जैसे इस माहौल से इसका दिमाग उलट गया हो लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी सर किसी माहिर कारीगर ने इस बांसुरी को बड़ी मजबूती से लोहे के तारों के साथ बांधा हुआ था मैंने जो अंदाज़ा लगाया है वो यह है कि बांसुरी के सामने लोहे की एक प्लेट लगी हुई थी जो हवा को आगे जाने से रोकती थी इस रुकावट से ऐसी आवाज़ पैदा होती थी जैसे कोई नजा के आलम में बांसुरी बजा रहा हो बाकी अल्लाह की अल्लाह ही जाने फिर उसने लोहे की परेड भी मुझे दिखाई थी जो वो उतार के लाया था तूफान अब भी जारी था अलबत् इसकी शिद्दत में कमी आ गई थी मैंने ग़ौर से सुना अब सिर्फ हवाएं शोर मचाती हुई गुजर रही थीं बांसुरी की किसी किस्म की आवाज़ नहीं थी आखिर में ये बताता चलूं कि हमें वो बंदा नहीं मिल सका था जिसने बांसुरी बांधी थी बहरहाल एक बात तो तय थी कि ये इंसानी हाथों का कारनामा था ज़ाहिर है हमने नजाकत के बेटे सदाकत को छोड़ दिया था